दोस्तों अब जो है आपको किसी को भी कॉल करने के लिए अपने फोन में सिम कार्ड का नेटवर्क का वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने फोन में जो है किसी भी वाईफाई नेटवर्क को कनेक्ट करके किसी को भी कॉल कर सकते हो। या तो वो वीडियो कॉल हो सकता है या फिर वो वॉइस कॉल हो सकता है। क्योंकि अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले एयरटेल ने लॉन्च किया है वीओ वाईफाई कॉलिंग को, साथ ही साथ जियो ने भी इसे लॉन्च किया है। अब सवाल ये उठता है कि ये वीओ वाईफाई कॉलिंग क्या है। वीओ वाईफाई कॉलिंग का मतलब होता है वॉइस ओवर वाईफाई कॉलिंग, या सिंपली भाषा में आप इसको वाईफाई कॉलिंग भी कह सकते हो। तो अब ये वाईफाई कॉलिंग क्या होता है, क्या आप इसको यूज़ कर सकते हो या फिर नहीं, या फिर किन डिवाइस में ये सपोर्ट करता है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो। मैं इसमें पूरा लाइव प्रूफ के साथ आपको इसके बारे में बताऊंगा। अब सबसे पहले ये सवाल उठता है कि क्या ये वाईफाई कॉलिंग क्या कोई प्लान है या फिर कोई पैक है, क्या हमें इसको रिचार्ज कराना पड़ेगा। तो इसका सीधा जवाब है भैया नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो है आपका फ़ोन का जो है एक मैन्युफैक्चरिंग पार्ट है। जिस भी ब्रांड का आपका फ़ोन है उसका ये मैन्युफैक्चरिंग पार्ट है। अभी एक एग्जांपल देता हूँ, फिर आप अच्छे से इसको समझ पाओगे। जैसे आपके घर में कोई भी एक स्विच बोर्ड होता है जिससे आप बल्ब जलाते हो या फिर फैन चलाते हो, तो वो स्विच बोर्ड में जो है, जैसे कि आपको यहाँ पर आप देख सकते हो ये स्विच बोर्ड है, ठीक है, इसमें कोई ना कोई हम प्लग डालेंगे तभी फैन चलेगा या फिर कोई बल्ब जलेगा, ठीक है। जब आपके घर में ये बोर्ड ही नहीं होगा, ये बोर्ड नहीं होगा, तब उस प्लग का क्या काम, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब आपका जिस भी ब्रांड का फ़ोन है उसने वो सेटिंग को या फिर वो मैन्युफैक्चरिंग वो जो है आपके फ़ोन में उसने डाला ही नहीं सेट, तो आप जिस भी टेलीकॉम का सिम यूज़ कर रहे हो वो क्या कर सकता है। सीधी सी बात ये समझो कि आपका फ़ोन जो है उसके लिए कॉम्पैटिबल होना चाहिए, ठीक है। ये बोर्ड है तो वो स्विच है, दोनों कनेक्ट करके तब आपको ये सर्विस दे सकते हैं, राइट। तो इसको जब मैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा था कि ये क्या है, कैसे यूज़ करते हैं, किन किन डिवाइस को सपोर्ट करता है, ठीक है, कैसे ये काम करेगा, तो मुझे बहुत सारा इसके बारे में आधा अधूरा, बहुत सारे नेगेटिव, बहुत सारे गलत जानकारी मिली। तो मैंने सोचा यार अगर ऐसी जानकारी मैं आपको दूंगा तो आप तक भी अधूरा जानकारी पहुंचेगा। तो मैंने क्या किया, सीधा मैंने कस्टमर केयर का, जियो के कस्टमर केयर को कॉल किया और उनसे मैंने कन्वर्सेशन की और उनसे जो है इसके बारे में डिटेल से जानकारी लेने की कोशिश की और उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से इसके बारे में समझाया। तो आइए अब जो है हम लाइव कॉल रिकॉर्डिंग सुनते हैं कि उन्होंने मुझे इसके बारे में क्या बताया, जिससे आपको भी इसके बारे में एकदम सटीक और सही जानकारी मिल सके। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। नमस्कार, जियो में आपका स्वागत है, मैं रवीना, आप किस प्रकार की सहायता कर पाओगे। जी मैम, मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए था वाईफाई कॉलिंग के रिगार्डिंग। क्या जानकारी चाहिए वाईफाई कॉलिंग के बारे में? मैडम ये क्या है, कोई प्लान है क्या, ये क्या है, ये क्या, कौन से वाला जियो वाईफाई प्लान, ये जो वाईफाई कॉलिंग जो अभी नया जो आया है। ओके, सुनो मेरी बात, वाईफाई कॉलिंग क्या है वो जानना है आपको। जी ओके सर, बिल्कुल नीचे रहो, पूरी हेल्प कर देती हूँ, मैं सिस्टम में चेक कर देती हूँ, डिटेल लाइन पर बने रहो। जी मैम। सर वाईफाई कॉलिंग एक टेक्नोलॉजी है, अलाउ कस्टमर है वो कॉल कर पाता है और वीडियो कॉल कर सकते हैं या कॉल रिसीव कर सकते हैं, वॉइस कॉल एंड वीडियो कॉल दोनों। अगर वाईफाई नेटवर्क को यूज करके एग्जिट जियो मोबाइल नंबर पे, जैसे कि कोई भी कस्टमर नीड टू हैव, जैसे कि इसके अंदर आपको कंपेटेबल हैंडसेट होना चाहिए, एक्टिव वाईफाई कनेक्शन होना चाहिए और एंड आपको एक्टिव प्लान होना चाहिए। दिस चार्जेबल फ्रॉम जियो वाईफाई कॉल सेम करेंटली प्लान, जिसमें आपको वॉइस कॉल चार्जिंग थे। जी सर जी, और वो आपको करेंटली अवेलेबल पैन इंडिया के अंदर एक्सपेड अभी जम्मू कश्मीर सर्कल में नहीं है सर जी, एक्सपेड। अच्छा, मतलब ऑल इंडिया में है, मतलब जम्मू कश्मीर को छोड़ के। हाँ सर जी। जी अच्छा मैम, अगर ये वाईफाई कॉलिंग मैं करूँगा तो इससे क्या बैलेंस कटेगा या फिर डेटा कटेगा? सुनो मेरी बात जी, वाईफाई कॉलिंग करने के लिए आपको क्या बेनिफिट रहेगा वो भी बता देती हूँ। जी मैम सुनो, एक वाईफाई कॉलिंग है यूज कर पाओगे आप तब कि आपको एक एक्सपीरियंस है यूनिट टेस्ट, मीन्स कि आपका जो कोई अनिरुद्ध कॉल्स है यूज करने के लिए स्ट्रॉन्ग नेटवर्क या वाइडर्स वाईफाई मोबाइल नेटवर्क, उसमें आपको जियो नंबर रिमेन सन द सेम वाइल्ड मैक कॉल या कॉल कर पाओगे या कॉल रिसीव कर पाओगे वाईफाई जियो वाईफाई कॉलिंग से। उसमें आपको वेल मिलेगा रिमाइंड कनेक्ट केस सिंगल, आपको जो सिग्नल इश्यू होता है या रिबूट एरिया के अंदर या
सेल्यूलर डार्क जोन में या बिल्डिंग में तो आप वो इसमें यूज कर पाओगे। या आपका जो देयर नॉट एडिशनल चार्ज, उसमें कोई एडिशनल चार्ज है वो यूज नहीं कर पाओ, मीन्स की नहीं होता है जियो वाईफाई कॉलिंग में एडिशनल चार्ज कोई नहीं होता है। उसके अंदर ओनली आपको एक्टिव प्लान और कंफर्टेबल हैंडसेट होना चाहिए। और जो इसके अंदर मैंने आपको जो बताया, जैसे कि आपको वाईफाई कॉलिंग करते हो जी, तो उसके अंदर कोई एडिशनल चार्ज नहीं है सर। उसके अंदर ओनली आपको एक्टिव प्लान और कंफर्टेबल हैंडसेट होना चाहिए। और आपने मुझे क्या क्वेश्चन पूछा था कि मैं वाईफाई कॉलिंग करूंगा तो मेरा बैलेंस कटेगा या फिर डेटा कटेगा, किसका कटेगा सर? दोनों कटेगा, सुनो मेरी बात जी। जैसे कि आपको जो मैं वही बता देती हूँ कि सर जी उसमें दोनों कटेगा, बताती हूँ सर कुछ इन्फॉर्मेशन जी मैम जी जी। जो सर मैं बता देती हूँ, आपने जियो वाईफाई कॉलिंग यूज करते हो चार्जेबल कॉल पर, तो उसके अंदर मॉनिटरी बैलेंस से डिडक्ट होता है। जैसे कि आपको जो नॉन जियो मोबाइल नंबर पे कॉल करते हो तो 6 पैसा पर मिनट चार्ज लगेगा, उसमें से कटेगा आपके जो अवेलेबल वॉइस कॉल मिनट होती है। और उसके अंदर रिफर चार्ज भी लगता है। उसके अंदर आपको बताना चाहती हूँ कि सर जी लाइन पर बने रहो, उसके अंदर अभी आपको जियो वाईफाई कॉलिंग के अंदर आपको नॉन एडिशनल चार्ज यूज नहीं होता है सर्विस के अंदर। उसमें आपको वॉइस कॉल यूज कर पाओगे पर एग्जिट प्लान पर जी सर जी। और सर जी उसके अंदर आपको जो नॉन जियो का, जैसे कि आपका कोई नॉन जियो नंबर होता है उसमें आपको चार्ज लगता है 6 पैसा। नहीं नहीं ये नहीं पूछ रहा मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं वाईफाई से कॉलिंग करूंगा, हाँ मैं अगर वाईफाई कनेक्ट करके अपने फोन में और सेटिंग करके उसके बाद अगर मैं कॉलिंग करूंगा, मेरा फोन से बैलेंस कटेगा या फिर वो डेटा कटेगा जिसके जिसका वाईफाई मैंने कनेक्ट कर रखा है? दोनों कटेगा सर, दोनों कटेगा। क्योंकि वाईफाई भी ऐसे के जो आपका वाईफाई का जो मैनेज होता है जी, वाईफाई का डेटा भी कटता है और उसके अंदर जो आपको नॉन जियो नंबर पे कॉल करते हो, नॉन जियो अदर ऑपरेटर मोबाइल नंबर पे कॉल करते हो तो चार्ज भी कटता है 6 पैसे पर मिनट। इसका तो मैंने मेंशन किया कि सर चार्ज भी आपको कटेगा। अच्छा, जैसे कि नॉन जियो नंबर पे कॉल करते हो तो जी सर जी। ओके मैम, ओके। अच्छा मैम, अच्छा अगर मैं वाईफाई कॉल करूंगा तो वो जो डेटा कटेगा उसका रेट क्या होगा? डेटा कटने का कितना डेटा कटेगा? जी जी मैम, अगर वीडियो कॉल पे या फिर वॉइस कॉल पे? देखा बता देती हूँ, सुनो मेरी बात सर। यस, आपको जो कंज्यूम होता है डेटा और जियो वाईफाई कॉलिंग के अंदर, यस सर जियो वाईफाई कॉलिंग है इसके अंदर कंज्यूम होता है डेटा वाईफाई नेटवर्क पे कनेक्ट करके वॉइस कॉलिंग यूज करते हो, लेस आपको 0.5 MB डेटा पर मिनट। और उसके अंदर एक्टिवल डेटा यूजेस होता है यूज वॉइस एंड वीडियो कॉल में वेरी मेनी वेरी, जिसमें ओनली आपको वॉइस कॉल कर पाओगे तो उसमें 0.56 मिनिमम कटता है, जैसे कि और वीडियो कॉल करते हो तो 6.45 MB कटता है पर मिनट बता रहा है, जिसे मिनट पे बता रहा है, अप्रोक्स बता रहा है सर। अच्छा मैम, मतलब मैं वॉइस कॉल करता हूँ वाईफाई कॉलिंग से तो 0.56 MB कटेगा, मतलब मेरा वॉइस अप्रोक्स डेटा कंज्यूम होता है। और आपको वीडियो कॉल करते हो, हाँ अप्रोक्स डेटा कंज्यूम होता है वॉइस कॉल में 0.56 MB और वीडियो कॉल में 6.45 MB। अच्छा अच्छा, ओके मैम, समझ में आ गया जी जी। अच्छा तो मैम ये अगर मैं ये वाईफाई कॉलिंग मतलब कि मैं अगर करूँ तो इसके लिए मतलब कि मैं ये समझूँ कि मेरे फोन में एक्सिस्टिंग प्लान होना चाहिए कोई भी है? मतलब मैं वाईफाई कॉलिंग करना चाहता हूँ तो मेरे फोन में कोई भी एक एक्सिस्टिंग प्लान होना चाहिए, प्लान होना चाहिए एक्टिव। अच्छा, मान लो कि अगर मेरा 251 या फिर कोई भी एक प्लान है अगर वो खत्म हो जाता है आज और उसके बाद मेरा सर्विस अगर क्लोज कर दिया जाता है, उसके बाद अगर मैं वाईफाई कनेक्ट करूंगा कॉल करूंगा तो क्या कॉल होगा? सर जो मैं आपको वह पहले से दोबारा बता देती हूँ, एक्टिव प्लान होना चाहिए और कंपेटेबल हैंडसेट होना जरूरी है। ओके ओके मैम, समझ में आया सर जी मैम। तो ये मेरा जो कंपेटेबल हैंडसेट है ये कैसे चेक कर सकता हूँ? वो आप एक बार आपका जो हैंडसेट है कंपेटेबल है कि नहीं वो चेक करने के लिए मैं आपको एक मैसेज भेज दी हूँ लाइन पर बनिया रहो, लिंक में थोड़ी हेल्प कर देती हूँ आपको जो। जी जी मैम। तो अभी जो आपने कॉल रिकॉर्डिंग सुना इसमें आप लोगों ने देखा कितनी अच्छी अच्छे से मैम ने मुझे एक्सप्लेन किया और मुझे समझाया इसके बारे में। तो ओवरऑल यहाँ पे मैं कंक्लूजन आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो वाईफाई कॉलिंग है इसका मतलब ये है कि ये कोई एक्स्ट्रा एडिशनल फीचर नहीं है, मतलब आपका जो सिम का नेटवर्क होता है बस उस नेटवर्क के जगह पे आप वाईफाई का नेटवर्क यूज कर रहे हो, बाद बाकी और सब कुछ सेम है।
ठीक है, आपका आईओसी जो चार्ज 6 पैसे पर मिनट कटता था वो भी कटेगा। आपके पास एक एग्जिस्टिंग प्लान होना चाहिए, कोई भी प्लान, तभी आप इसको यूज कर सकते हो। अगर आप सोचोगे कि अरे यार वाईफाई से तो कॉलिंग कर ही रहे हैं, हमें कोई रिचार्ज कराने की जरूरत नहीं है, रिचार्ज नहीं होगा आपका कॉलिंग भी नहीं होगा, ठीक है। मतलब आप सिंपली ये समझ लो, आप अपने सिम कार्ड के नेटवर्क के जगह पे वाईफाई नेटवर्क को यूज कर रहे हो, क्योंकि आपका सिम कार्ड का नेटवर्क वीक है इसलिए आप वाईफाई को नेटवर्क को यूज कर रहे हो। अगर वाईफाई का नेटवर्क स्ट्रांग है तब आपका HD क्वालिटी में आपको साउंड मिलेगा, अगर वो भी वीक है तो थोड़ा उसमें भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन ऐसा अभी तक कोई कंप्लेन मैंने नहीं सुना। वेल, आप इसको यूज करो और आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको ये कैसा लगा। जाओ जल्दी से लिंक पे क्लिक करो और जाके अपने फोन को चेक करो कि क्या आपका फोन वाईफाई कॉलिंग को सपोर्ट करता है या फिर नहीं है। अगर सपोर्ट करता है तो आप भी एंजॉय कर सकते हो, लेकिन एब्सोल्युटली ये जो है फ्री नहीं है, ठीक है, इसके लिए आपको जो प्लान देना ही पड़ेगा। आई होप गाइस ये वीडियो आप लोगों को काफी पसंद आया होगा। अगर दोस्तों इस वीडियो को समझने में या फिर इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स है तो प्लीज इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में कमेंट जरूर करिएगा, और आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड फैमिली के साथ में शेयर कीजिए, उनको भी बताइए कि वाईफाई कॉलिंग को आप कैसे यूज कर सकते हैं और किस तरह से किन सिचुएशन में आप इसको यूज कर सकते हैं, क्या उनका फोन जो है कॉम्पैटिबल है इसके लिए या नहीं, उनको भी चेक करवाइए, बताइए। और दोस्तों अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो बस दोस्तों, और आप में चाहे तो इंस्टाग्राम भी और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बस दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।